हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो ये हमारे पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का सिक्स वीडियो, तो इसमें हम देखेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, वो टॉप से लेके बॉटम तक एक बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट हमने देखा था फोर्थ ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, इफ स्टेटमेंट में जब तक वो कंडीशन ट्रू थी तब तक वो ऊपर से नीचे बॉटम तक, टॉप से बॉटम तक एग्जीक्यूट हो रहा था वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो व्हाइल लूप भी वैसा ही है, जब तक स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तब तक वो लूप को परफॉर्म करते रहेगा, एग्जीक्यूट करते रहेगा। जैसे ही उसको उसने देखा कि जब वो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो वहां पे व्हाइल लूप रुक जाएगा। तो वहां पे वो जो कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट वहां पे पॉज कर देता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपना जुपिटर नोटबुक खोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पीएमडी पे जाऊंगा, पीएमडी एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल, जैसे ये लोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक टाइप करोगे, JUPYTER जुपिटर नोट बुक करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो जुपिटर नोटबुक, और यहाँ पे आपका रिडायरेक्ट आप सीधे, हाँ तो ये मेरा जुपिटर नोटबुक लोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने जुपिटर नोटबुक पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पहले न्यू पे क्लिक करना है, पाइथन 3, ठीक है। और फिर हम लोग नोटबुक प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पे रेडी हो रहा है लोकल होस्ट। हाँ, अनटाइटल को पहले हम टाइटल करेंगे व्हाइल लूप, डब्ल्यू एच आई एल डी व्हाइल लूप, ओके एंड व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे समझ सकते हो कि व्हाइल लूप इफ स्टेटमेंट का थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मतलब एडवांस वर्जन है। जैसे कि उसमें इसमें हम लोग लूप भी कर सकते हैं, जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक वो उसको परफॉर्म करते रहेगा, उस चीज को एग्जीक्यूट करते रहेगा पूरा टॉप से लेके बॉटम तक। ये एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही है, ये पहले नहीं देखता कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ये एक बार तो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद जब वो देखता है कि स्टेटमेंट क्या अब ट्रू है अब फॉल्स है, तो वो उसके उस कंडीशन के हिसाब से अपना देखता है कि एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम जल्दी से कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, व्हाइल लूप, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं व्हाइल लूप का। तो पहले हम लोग एक व्हाइल, एक कीवर्ड पहले से ही डिफाइंड होता है पाइथन में, जो है व्हाइल, ठीक है। पहले हम लोग व्हाइल डब्ल्यू एच आई एल ई वाई, जैसे मैंने टाइप किया, देखो ग्रीन कलर का हो गया, प्री डिफाइंड फंक्शन है, कीवर्ड है, जो भी आप बोलो, ठीक है, पाइथन में पहले से। उसके बाद जो भी आपका कंडीशन है आपका व्हाइल लूप को रन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन लिखते हो, कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे लगा देते हो कॉलन। उसके बाद कॉलन के बाद हमें पता है कि चार गैप होंगे, उसके इंडेंटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमें कंडीशन के हिसाब से जो भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना है हम वो कराते हैं। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया व्हाइल लूप का सिंटेक्स। तो ये बहुत इजी है। लास्ट में हम, लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप देखा था, इसमें हम देख रहे हैं व्हाइल लूप, ठीक है। दोनों ही लूप है लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों हो गए कमेंट आउट। तो ये हमारा हो गया व्हाइल लूप का सिंटैक्स, ठीक है। तो अब जल्दी से हम लोग कुछ प्रोग्राम परफॉर्म कर लेते हैं व्हाइल लूप के रिलेटेड, ठीक है। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा एस इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक व्हाइल लूप अब यहाँ पे रन करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जब तक अब यहाँ पे एक कंडीशन हमें लगाना है। देखो सिंटैक्स देखो, व्हाइल व्हाइल हमने ले लिया, पहले हमने वेरिएबल लिया उसमें हमने 1 स्टोर कर दिया, ठीक है, असाइन कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशन लिखना है, तो जब तक एक्स छोटा है और या तो इक्वल है 10 के, ठीक है, तब तक हमें व्हाइल लूप को अपने कंटिन्यू रखना है, तब तक हमें लूप को चलाते रहना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करना है हमें एक्स, सॉरी प्रिंट करना है हमें एक्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब तक अब यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि जैसे जैसे वो वैल्यू, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी उस वैल्यू को बढ़ाना भी है ना, तभी तो वो 10 तक जाएगा, वरना तो वो 1 पे ही रुका रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स अब ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस 1 करके भी आप कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स
इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके वैलिड है, मुझे ये, मैं ये प्रिफर करता हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा पूरा व्हाइल लूप का सिंटैक्स हो गया, ठीक है। मैं इसको साइड में करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, अब हमें यहाँ पे एक प्रिंट करना है अभी। अब हमें यहाँ पे जैसे ही हमारा पूरा प्रिंट हो जाए, जैसे ही 10 तक हमारे नंबर प्रिंट हो जाए, तो हमें यहाँ पे एक प्रिंट करना है एंड करके, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको व्हाइल लूप के बाहर क्यों लिखा, मैंने इसके साथ ही क्यों नहीं लिखा, या आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो हम लोग पहले ये चीज परफॉर्म कर लेते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बोला 1 से लेके 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में प्रिंट हो गया एंड। अगर वही मैं अगर इस प्रिंट को इसके साथ में लिखता, ठीक है, तो ये क्या होता। तो देखो, हर नंबर के बाद एंड प्रिंट होता, ठीक है, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, ठीक है, क्योंकि ये भी इस लूप का ही हिस्सा बन गया, ठीक है। ये इस इंडेंटेशन के साथ में चल रहा है, इस वजह से मुझे इसके 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 बराबरी में नहीं करना, तो इसीलिए मुझे एकदम लास्ट में एंड प्रिंट कराना है, इसलिए मैंने ये चीज यूज किया, ठीक है। तो हमने वो भी देख लिया कि 1 एंड 2 एंड 3 एंड व्हाइल लूप के साथ हमने कैसे किया, ठीक है। तो अब हम लोग 100 से लेके, ठीक है, या 0 से लेके 100 तक में इवन नंबर प्रिंट करेंगे, 100 से लेके 200 तक में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और नए सेल में हम लोग आ गए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मुझे 100 से लेकर 200 200 तक में जितने भी इवन नंबर है वो सारे प्रिंट कराने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूंगा, x=100 ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद सिंपली हम लोग एक व्हाइल लूप रन करेंगे, ठीक है। व्हाइल, अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है, व्हाइल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है, एंड एंड, ठीक है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 200। अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन दिख रहा है, ठीक है। जब तक x बड़ा है और इक्वल है 100 से, और जब तक x छोटा है और इक्वल है 200 के, ठीक है, 200 के, तब तक ये चीज रन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉलन लगाएंगे, हम लोग 4 लाइन का इंडेंटेशन पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब हमें इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर 100 है, 100 से हमने इनिशियल नंबर है हमारा 100, तो हम लोग इवन नंबर कितने के गैप पे आएगा, 2 के गैप पे, है ना। तो हम लोग वैसे ही सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कमेंट करके x=x+2, ठीक है। तो इसका सिंपली ये मतलब है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हर वैल्यू के बाद एक बार पहले 100 प्रिंट करेगा, उसमें 2 ऐड करके फिर वो प्रिंट करेगा, तो 100 2 हो गया, 100 4, ऐसे करके सारे नंबर प्रिंट कर देगा 200 तक में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट करना करो, वरना मत करो, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्रिंट एंड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप एंड प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एंड, ठीक है। तो ये मैंने रन किया, ठीक है। तो देखो, पहले 100 हुआ, 100 200 400 600 800, जितने भी सारे इवन नंबर है इन सब के बीच में 100 से लेकर 200 तक में सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। आप इस वैल्यू को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, 100 से लेके आप 1000 तक में भी कर सकते हो, दो भी देखो ये सारे नंबर प्रिंट हो गए, ये देखो, हाँ ये देखो सारे नंबर प्रिंट हो गए, ठीक है, 1000 तक में जितने भी इवन नंबर है, 0 से आप 0 से भी कर सकते हो, 0 से लेके 1000 तक में, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आप बहुत इजीली व्हाइल लूप को यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि व्हाइल लूप कैसे बनाना है, कैसे हमें उसका सिंटैक्स है, कैसे हमें व्हाइल लूप को यूज करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, ओके बाय। और अगर आपको इस रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।